अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फाइक की बात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, और आप लोगों से माजरत भी चाहता हूँ कि वीडियोस के अंदर थोड़ा सा गैप आ गया है ड्यू टू माय एग्ज़ाम्स। तो अब हम अपनी वीडियोस को कंटिन्यू करेंगे और आपकी खिदमत में एक बहुत अच्छी सी स्टोरीज़ को पेश किया करेंगे। आज भी आप लोगों के लिए मैं नहायत इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आया हूँ, और अब हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और अपनी स्टोरी की जानिब बढ़ेंगे। इस स्टोरी का उनवान ये है, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। और इसके अंदर हमें ये भी मोरल मिलेगा कि हमें क्या करना चाहिए। चलें, अब अगर मैंने सब कुछ बता दिया तो फिर मज़ा ख़राब होगा स्टोरी का। चलें स्टोरी का आगाज़ करते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक लड़का अपने कुछ दोस्तों के साथ बाज़ार की तरफ जा रहा था कि उसके दोस्त किसी शॉप पे चले गए और वो अकेला रह गया वहाँ पर। उसके पास एक फ़कीर आकर खड़ा हो गया। उस फ़कीर ने उसे ये बात की कि मेरा कोई भी नहीं है, मेरे पास पैसे भी नहीं है, ना मेरा कोई दोस्त है, ना मेरे पास पहनने के लिए कपड़े हैं, ना खाने के लिए कुछ है, तो तुम मेरी मदद करो। उस लड़के ने उसकी किसी बात पे गौर नहीं किया, मगर एक बात पे बहुत ज़्यादा गौर किया। वो ये थी कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरा कोई दोस्त नहीं। उसने कहा, ये तो बहुत अच्छा इंसान है, ये क्यों कह रहा है कि मेरा कुछ भी नहीं है, मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, मेरे इसका कोई दोस्त नहीं है तो इसका टाइम तो वेस्ट कोई नहीं करता होगा। अब जैसे मैं एग्ज़ाम्स में ना पढ़ सकता हूँ, उस लड़के के एग्ज़ाम्स चल रहे थे और वो बाहर दोस्तों के साथ फिर रहा था सिर्फ अपने दोस्तों की वजह से। उसके दोस्त उसका टाइम वेस्ट कर रहे थे और उसको किसी और काम करने से भी रोक रहे थे, उसकी स्टडीज़ डिस्टर्ब हो रही थी, वो टोटली डिस्टर्ब था दोस्तों की वजह से, मगर दोस्तों को कुछ कह नहीं सकता था। वो इतना हुआ कि यह आदमी कितना कंफर्टेबल होगा, कोई इसको फालतू बात नहीं करता होगा, कोई इसका टाइम नहीं वेस्ट करता होगा, ये अपना काम करता होगा, इसका कोई दोस्त नहीं, तो ये इस तरह क्यों कर रहा है। तो हमें ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि आप दोस्तों को बिल्कुल नेगेटिव साइड पे ले जाएं, फ्रेंड्स बनाएं, मगर इस टाइप के फ्रेंड्स बनाएं जो आपका हर वक्त हर जगह हर चीज़ में साथ दें। इस तरह के फ्रेंड्स ना बनाएं जो आपका टाइम सिर्फ वेस्ट करें, आपकी स्टडी डिस्टर्ब करें, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू स्टडी है। अगर स्टडी नहीं आप करेंगे तो फिर तो आप कुछ भी नहीं है, फिर तो आपके लिए हर जगह मुश्किल हो जाएगी। इसलिए आप पहले अपनी स्टडीज़ पर तवज्जो दें, फिर आप अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करें, और दोस्तों को इतना ज़्यादा वो ना करें कि आप अपने दोस्तों को बिल्कुल नेगेटिव साइड पर ले जाएं कि दोस्त बनाने ही नहीं है। ये जब बंदा दोस्त नहीं बनाता तो वो और टेंशन में आना शुरू हो जाता है। अपने दोस्तों से प्यार करें, अपना टाइम मत वेस्ट करें, ना उनका टाइम वेस्ट करें। जो खेलने का टाइम है उस पर खेलें, और पढ़ाई का टाइम है उस पर दोस्तों के साथ बैठकर पढ़ाई करें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।